हेलो एवरीवन, आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम मेंटली स्ट्रांग बने। सबसे पहले आपको ये जानने के लिए ज़रूरी है कि आपका दिमाग आपके काम करने के तरीकों को कैसे समझता है, आपका दिमाग कब और क्या करने पर आपको खुशी देता है और कब आपका दिमाग उब जाता है। आप अपने दिमाग के काम करने की जानकारी को बढ़ाएं, उसके लिए आज मैं आपके लिए कुछ मेथड लेकर आई हूँ जो आपको मेंटली स्ट्रांग बने रहने में मदद कर। तो पहला तरीका है हमारा, हमें अपनी सोच को कंट्रोल करना चाहिए। फीलिंग्स के साथ ही अपनी सोच को अपने कंट्रोल में करना भी जरूरी होता है। जो इंसान अपनी सोच को अपने कंट्रोल में नहीं कर पाता, वह इंसान मानसिक रूप से मजबूत नहीं है। मानसिक रूप से मजबूत इंसान अपनी सोच को अपने कंट्रोल में रखता है। जैसे आप कोई काम करते हैं और आपके काम करते समय आपके दिमाग में तरह तरह के विचार आते हैं जो आपको उसे कंट्रोल और ख़त्म करना चाहिए, तभी आप मानसिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। थर्ड नंबर, सेकेंड, नई चीज़ों को करें। नई चीज़ और नया काम आपको चैलेंज करता है और आपको मेंटली स्ट्रांग बनाता है। एक रिसर्च के अनुसार नया काम करने से हम दिमागी रूप से काफ़ी मजबूत होते हैं। अगर आपको मानसिक रूप से मजबूत होना है तो आपको भी कुछ नया करना है, कुछ नया सीखना है। आप हमेशा ये याद रखें कि हर एक नए क्षेत्र में जाने के लिए आपको कुछ ना कुछ नया करना है, जिसका मुख्य शीर्ष है जो आपकी सफलता को बढ़ाती है। मेथड थर्ड, हमारे हाथ में हर एक चीज़ को कंट्रोल नहीं होता है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके कंट्रोल में सब कुछ हो। इसको एक मानसिक रूप से मजबूत इंसान समझता है, इसलिए ही वह हर एक चीज़ को कंट्रोल नहीं करना चाहता और ना ही उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। मेथड फोर, नए नए लोगों से मिलें। आप जितने ज़्यादा नए लोगों से मिलेंगे और आपके सोचने और समझने में उतना ही ज़्यादा अंतर आएगा। हम मानसिक रूप से मजबूत होना तो चाहते हैं पर नए नए लोगों से मिलना पसंद नहीं करते, पर ऐसा करने से हम मानसिक रूप से मजबूत नहीं हो सकते। हमें नए नए लोगों से मिलना चाहिए, नई नई जगह पर जाना चाहिए और नया काम करना चाहिए। हम जितना कुछ नया करेंगे हम उतना ज़्यादा मानसिक रूप से मजबूत होते रहें। मेथड फाइव, डरे नहीं। डर इंसान को मानसिक रूप से कमज़ोर बनाता है। एक मानसिक रूप से मजबूत इंसान कभी भी किसी भी चीज़ से नहीं डरता, वह हर एक चीज़ का सामना करता है। वही मानसिक रूप से कमज़ोर इंसान हर एक काम और चीज़ को करने से डरता है, जैसे बिजनेस करने से, परीक्षा देने से, किसी से बात करने में, कुछ भी नया कर। थर्ड सिक्स, दुख और परेशानी से ना डरें। ये सभी की ज़िंदगी में आते हैं और सभी की ज़िंदगी में आकर चले जाते हैं। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति कभी भी किसी भी तरह के दुख और परेशानी से नहीं डरना चाहिए। परेशानी और दुख हर एक इंसान को पहले से ज़्यादा मानसिक रूप से मजबूत करने के लिए ही आती हैं, पर कुछ लोग ही इसको समझ पाते हैं और कुछ लोग इसे नहीं समझ पाते और अपनी ज़िंदगी में ये रोना ले के बैठे रहते हैं कि हमारे ही ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुख हैं और हम ही सबसे ज़्यादा परेशान हैं। बल्कि ऐसा कभी नहीं होता, सभी की ज़िंदगी में इक्वली दुख और सुख आते जाते रहते हैं। सेवन, खुद को मोटिवेट करें। मानसिक रूप से मजबूत इंसान के अंदर मोटिवेशन की कोई भी कमी नहीं होती। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति खुद हमेशा मोटिवेट रहता है और साथ ही वो दूसरों को भी मोटिवेट रखता है। अगर आप भी मानसिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं तो आपको भी मोटिवेट रहना चाहिए। मोटिवेशन इस समय बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। किसी भी चीज़ को करने के लिए और कुछ भी हासिल करने के लिए हमेशा मोटिवेट रहना चाहिए और खुद को कभी कमज़ोर ना समझें। अक्सर व्यक्ति के मानसिक रूप से कमज़ोर होने की शुरुआत वहाँ से होती है जब वो खुद को कमज़ोर समझने लगता है। अगर आपको मानसिक रूप से मजबूत बनना है तो इसके लिए आपको खुद ही इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। आप खुद को कमज़ोर समझते हैं तो आज से ही ये सोचना बंद कर दें कि आप कमज़ोर हैं, बल्कि यह सोचें कि आप कुछ लोगों की तुलना में शारीरिक और मानसिक रूप से काफ़ी फिट हैं। परिस्थिति के अनुसार बदलाव को सीखें। हाल में हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ बदलाव आपको देखने को मिल जाता है। समय के साथ बहुत कुछ बदलता रहता है और आपको मानसिक रूप से फिट रहने के लिए समय के साथ बदलाव करना बेहद ही आवश्यक है।